इतनी सारी चीजें हैं खाने को, पर तुम्हारा सर खाना सबसे अच्छा लगता है। पहले मैं वेट टिश अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे, ताकि मेरा जो फेस है बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील हो। इसलिए इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी टोनर। ये टोनर मैंने घर में ही बनाया है, जो आप लोग देख रहे हो। अब एक वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कैसे मैंने ये टोनर बनाया है। इसके बाद मैं विटामिन सी सीरम अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस में। मैं फिटमी का प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर क्या करता है, हम लोगों का मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने में हेल्प करता है। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। गाइज, मैं जो ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, कंपल्सरी नहीं है, आप लोग भी वही ब्रांड यूज़ कीजिए। आप लोग अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से खरीद सकते हो। और मैं जो जो ब्रांड यूज़ करती हूँ गाइज, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ आप लोगों के लिए। जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग भी वहाँ ही कंसीलर अप्लाई कर लेना। कंसीलर का काम क्या होता है, हमारे फेस में अगर कोई दाग धब्बे हो या फिर डार्क सर्कल्स वगैरह, वो सब कुछ ना ढक जाता है कंसीलर अप्लाई करने से, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसे टाइप का ब्रश यूज़ करूँगा। और कम्पैक्ट के लिए मैं फिटमिंग का कम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया है, वहाँ वहीं मैं कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। अच्छे से ना कम्पैक्ट कर लेना है, क्योंकि जो आपने फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज़ किया हो ना, वो सेट हो जाता है अच्छे से। तो इसके बाद मैं ऐसे टाइप का ब्रश लेके अपने आईब्रोज फिलअप करूँगी। ब्राउन शेड लिया है मैंने अपने आईब्रोज फिलअप के लिए। इसके बाद ना फूली जो देख रहे हो ना, इससे अच्छे से अपने आईब्रोज को कोम कर लूँगी मैं। ठीक है, मदद से अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। आप भी ये स्टेप किया कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप है और अच्छे से सेट हो जाता है आईब्रोज। मैं कंसीलर यूज़ करूँगी और अपने आईब्रोज के ऊपर और आईब्रोज के नीचे ये कंसील करूँगी, ताकि मेरे आईब्रोज शार्प दिखे। अच्छे से कंसील कर लिया। और अभी एक छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से मैं ब्लेंड करूँगी, आप लोगों ने देखा। इसके बाद जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया, वहाँ मैं कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ताकि सेट हो जाए कंसीलर अच्छे से। और देखो अभी आईब्रोज कितने शार्प लग रहे हैं। अभी मैं मॉर्फी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से येलो वाला शेड पिकअप किया मैंने, वो मैं क्रीज से स्टार्ट करूँगी। ब्रश की मदद से अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड करना है। और इसके बाद मैं रेडिश और लाइट ब्राउन कलर लेके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंडिंग होना चाहिए गाइस, तो आपका आई शेडो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, सुंदर लुक आता है। मैं आपको अभी आईज़ बंद करके दिखाऊंगी कितना सुंदर लग रहा है। देखा, अभी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके बाद मैं एक शिमर शेड लूँगी एक फ्लैट टाइप के ब्रश के मदद से। शिमर में मैंने लिया है वायलेट, तो वायलेट कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, सच्ची में। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अपने आईज़ के बीचों बीच मैंने ये वायलेट कलर अप्लाई कर लिया। देख सकते हो कितना सुंदर लुक आ रहा है ना गाइस। अभी मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, आइकॉनिक के काजल। इसे दोनों आँखों में काजल अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मैं जो ब्रश दिखाऊंगी, एक फ्लैट टाइप का ब्रश, उस ब्रश के मदद से मैं लाइट ब्राउन कलर पिक करूंगी मॉर्फी के पैलेट से। और वो कलर को मैं अपने आँख काजल के साथ ब्लेंड करूंगी अच्छे से। दोनों आईज़ में ब्लेंड करना है, तो आईज़ का जो लुक है बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिखता है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद मैंने क्या किया, मॉर्फी के पैलेट से जो एक वाइट टाइप का शेड था ना, वो लेके मैंने अपने आईब्रोज के नीचे दे दिया हाइलाइट्स के लिए, और अपने आँखों के इनर कॉर्नर में दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा मैं ग्लैम 21 का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कैमरा ऑफ करके फॉल्सेस लगा लिया है, फॉल आईलैशेस। इसके बाद मैं अवॉन का आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ। विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी अपने दोनों आईज़ में। गाइस, मुझे तो विंग आईलाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों में से किसका किसका फेवरेट है विंग आईलाइनर। तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हो। दोनों आईज़ बंद करके मैं दिखाऊँगी, बोलना मेरी आई मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे जो मैं जब आई शेडो अप्लाई कर रही थी, कुछ मेरे चिक्स में गिरे थे, तो वो मैं ऐसे टाइप के ब्रश के मदद से झाड़ के फेंक दे रही हूँ। इसके बाद मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी अपने पूरे फेस में। मैंने यहाँ पर पानी स्क्वीज़ आउट करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ डैप डैप पोजिशन में, क्योंकि ब्लेंडिंग प्रॉपर होना चाहिए, फिर मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। और आप लोग देख सकते हो अभी कैसा लुक आ रहा है। इसके बाद मैं कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ फिटमी का, और ऐसे एक बड़े से टाइप के ब्रश के मदद से मैं कम्पैक्ट पाउडर को पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, ताकि जल्दी हो जाए, इसलिए ब्रश और ब्रश मैं यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का कंटूर प्लस कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉर कंटूरिंग।
मैं अपने पूरे फेस में कंटूर कर लूँगी। कंटूरिंग क्या करता है ना गाइस, आपके फेस को पतला दिखाना में हेल्प करता है, तो इसलिए कंटूर किया कीजिए आप लोग भी। और मैं जहाँ जहाँ कंटूरिंग कर लूँ आप लोग भी वहाँ ही कंटूर कीजिएगा। मैंने अच्छे से कंटूर, इसके बाद थोड़ा पागलों से हरकतें करूँगी आप लोग देखोगे, और इसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी कंटूर को अच्छे से ब्लेंड करना गाइस, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता है। तो अच्छे से मैं डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी। टाइम लगेगा आप लोग लेना और अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं मार्स के पैलेट में से जो शेड दिखा रही हूँ आप लोग को, वो शेड पिक करके ब्रॉन्जिंग कर लूँगी। अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर लेना आप लोग भी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, मेबलिन के ब्लशर यूज़ करूँगी, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। इसमें जो शेड है ये थोड़ा पिंकिश टाइप का शेड है, अच्छे से ना हंसते हंसते अपने चिक्स में अप्लाई कर लूँगी, दोनों तरफ के चिक्स में, देख सकते हो आप लोग। मुझे ना ब्लशर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेबलिन का ब्लशर मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने चीक बोन्स में हाईलाइट करती हूँ और अपने नोज़ के बीचों बीच हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ हाईलाइट करते हो वहाँ कर लेना, मुझे तो यही अच्छा लगता है। मुझे स्पेशली अच्छा लगता है ना नोज़ का बीचों बीच हाईलाइट करना, ठीक है। और मैं हाथों के मदद से ना अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये लिक्विड हाईलाइटर था ना, तो इसलिए देखो कितना सुंदर लग रहा है ना चिक्स। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर। मुझे हाईलाइटर ना सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं तो हाईलाइटर लवर हूँ। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का ये जो शेड देख रही हूँ, ये शेड का लिपस्टिक पिक कर रही हूँ, और मेरी तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला लिपस्टिक है सच्ची में। और इसका जो शेड है ना गाइस, सीरियसली आई जस्ट लव इट। तो अच्छे से मैं लिपस्टिक पहन लूँगी। अपने कोई फेवरेट लिपस्टिक शेड में से कोई लिपस्टिक इस लुक के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताना ये मेकअप लुक आप लोग का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। और मैंने अच्छे से लिपस्टिक पहन ले, इसके बाद मैं मार्स का रोज एसेंस का जो मेकअप फिक्सर है वो मैं यूज़ करूँगी। मेकअप फिक्सर का इसके करता है ना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो अभी हो गया मेरी मेकअप लुक कम्प्लीट। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।